देखते हैं आज की खास खबर। विधवा गांव जहां 150 घरों में गुजर चुके हैं पति। कुछ दिन पहले ही यूपी के सहारनपुर और कुशीनगर में जहरीली शराब पीने के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौत होने से खलबली मच गई, जिसके चलते छापेमारी निलंबन जैसी कार्रवाइयों ने तेजी पकड़ ली। लेकिन यूपी में एक गांव ऐसा है जहां यह त्रासदी इतनी ज्यादा व्याप्त है कि गांव को ही विधवाओं का गांव कहा जाने लगा है। इस मामले में जहरीली शराब के कारण लोगों की मौत इतनी आम बात है कि अब यहां ऐसी घटना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं विधवा गांव के बारे में। जी हां, यूपी का ये विधवा गांव जहां जहरीली शराब ने ली 150 मर्दों की जान। यूपी के मैनपुरी जिले के गांव में जहां जहरीली शराब से इतनी ज्यादा मौतें हुई है कि इस गांव को विधवाओं का गांव कहा जाने लगा है। ईशान नदी के तट पर बसे पुसैना गांव में करीब 300 परिवारों में कुल 4008 लोग रहते हैं। इनमें से करीब 150 परिवारों में 25 से 65 साल की उम्र के बीच की विधवा महिलाएं रहती है, जिनके पति पिछले 15 साल में जहरीली शराब पीकर मर चुके हैं। गांव में जहरीली शराब का अवैध कारोबार खूब चलता है और इसे बंद करने की पुलिस की तमाम कोशिश असफल हो गई है। सरेआम इस गांव में जहरीली शराब का कारोबार चल रहा है। इन महिलाओं के लिए घर चलाना मुश्किल होता है, लेकिन अवैध शराब का धंधा चला रहे तस्करों के डर से वे कुछ नहीं कहते। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ हर रोज 10,000 से 12,000 लीटर शराब बनाई जाती है और बिकती भी है, जबकि पुलिस का कहना है कि वह इस धंधे को बंद करा रही है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।